नहीं कहूंगा, मैं जयराम के पास आता हूं आपके सवालों का जवाब लेने के लिए। जयराम मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अनुज ने क्या कहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूं। ये जो प्रस्ताव आज एनडीए के तमाम दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनको अपना नेता चुना गया, ये आपके सामने है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा क्यों कहा गया है ये, भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। ये एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के चुनाव की चिट्ठी है, और जो भी संसदीय दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत जिस संसदीय दल के पास होता है उसके नेता के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। अब जो सरकार बनने की प्रक्रिया हुई, मैंने पहले भी कहा कि 3 नेताओं को बीजेपी ने इस काम के लिए लगा रखा है। जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन तीनों नेताओं की बातचीत जो गठबंधन के साथी दल हैं उनसे चल रही है। किसको क्या क्या दिया जाए, किसकी क्या क्या मांग है, सूत्रों के हवाले से है ये मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। अंदर खाने की जो खबर है, इसमें टीडीपी जिसके पास 16 सांसद हैं 6 मंत्रालय मांग रही है, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है 12 सांसदों के साथ 3 मंत्रालय उनको चाहिए। एलजेपी यानी कि चिराग पासवान 5 सांसद हैं 2 मंत्रालय। हम जीतन राम मांझी की पार्टी है, खुद वो अकेले सांसद हैं, 1 मंत्रालय की मांग उनकी भी है। शिवसेना शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी 7 सांसदों के साथ है, 2 मंत्रालय की मांग कर रही है। और आरएलडी जयंत चौधरी 2 सांसद जीत करके आए हैं और उनको 1 मंत्रालय चाहिए। ये अंदर खाने की खबर है, और इसी के आधार पर बाकी भी साथी दलों की मांग अपनी होती होगी सरकार बनाने के लिए। तो सरकार की रूपरेखा क्या होगी, किसको कितने मंत्रालय दिए जाएंगे, सरकार में हिस्सेदारी किसकी कैसी होगी, इस पर चर्चा चल रही है। और यह सरकार 8 जून को शाम को शपथ ले सकती है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान में तीसरी बार एक सरकार बनेगी, और जो 6 दशक के बाद, इस बात का जिक्र हो रहा है कि 6 दशक के बाद ऐसा मौका आया है। प्रधानमंत्री नेहरू जब थे तो 52 का चुनाव जीते वो, 57 का चुनाव, और उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस ने 62 का चुनाव भी जीता था। उसके बाद से कभी किसी भी प्रधानमंत्री ने लगातार 3 दफ़ा चुनाव जीत करके अपनी पार्टी को सत्ता में लाने में कामयाबी हासिल नहीं की। अब मैं सोच रहा हूँ कि अनुज के सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जी, मैं उनके सवाल का भी जवाब दे दूं। और सर, आपने जो एक विषय पूछा था गठबंधन की सरकार को लेकर, तो मैं बताऊं कि पिछले 10 वर्षों में हमने अनेक अवसरों पर महत्वपूर्ण बिल पेश करते हुए मोदी जी को मैंने देखा कि नीतीश जी का भी समर्थन लिया, टीडीपी का भी कई बार समर्थन मिला, जगन रेड्डी साहब का समर्थन मिला, नवीन पटनायक साहब का समर्थन मिला। तो लोगों के साथ सहमति बनाने में और देश हित के मुद्दों पर साथ जुटाने में मोदी जी काफी माहिर हैं, और वो जानते हैं कि गठबंधन की सरकार भी कैसे चलाई जाती है। अब अनुज जी देखिए, अनुज जी बार बार कह रहे हैं सवाल पूछना चाहिए। 240 सीटों का जनादेश जनता ने अकेले भाजपा को दिया, एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें दी, उसके बावजूद सवाल हमसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन इनसे सवाल नहीं होना चाहिए कि आखिर जनता ने इन्हें सरकार चलाने के लायक क्यों नहीं समझा। इनको इन्होंने सारे मुद्दे गिना दिए, फिर भी आपको सरकार चलाने का अवसर जनता ने नहीं दिया, क्योंकि 60-70 वर्षों तक आपके शासन को इस देश की जनता ने देखा है। लूट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और केवल अपनी चिंता करना इनके गठबंधन की पहचान है। जयराम, एक बात तो है कि इस बार कांग्रेस ने इस देश में अच्छा परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है उनके साथ उन्होंने बहुत अपना गंवा करके और उनका साथ लिया है, उसका फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में खास करके, और तमिलनाडु की बात में कहूँ, तमिलनाडु में उनका फायदा, और महाराष्ट्र में तो है ही, तो कुछ राज्यों में उन्होंने अपने साथी दलों की सारी मांगे मान ली, बस इस बात की गुंजाइश रहने दी कि आप हमारे साथ चुनाव लड़ जाइए, और एक अच्छी स्थिति कांग्रेस ने बनाई है। लेकिन मैं उदय जी के पास आऊँ, इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि बीजेपी अपने बूते यानी कि इस बार जो नंबर मिले हैं वो बहुमत हासिल नहीं कर सकी है।
लेकिन यह बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने चुनाव लड़ा है, ये प्री पोल अलायंस था और प्री पोल अलायंस के चलते ही जो बहुमत मिला है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिला है, लिहाजा इस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने बुलाया है। उदय जी, देखिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने ये छोटी बात नहीं है। अगर आप विश्व ग्लोबल मैप पे भी अगर नज़र डालेंगे तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तीसरी टर्म बड़ी जो डेमोक्रेसी है उनकी अगर हम बात करें तो। दूसरा कि बीजेपी के गेंस काफ़ी हुए हैं, आप देखिए तेलंगाना में, उड़ीसा में, केरला में खाता खोला है पहली बार। लेकिन उसके साथ ये बात कहना पड़ेगा कि कुछ ऐसी कुछ चीज़ थी जो बीजेपी के विरुद्ध गई, और दो मुख्य कारण मैं ये गिनूंगा, एक विश्लेषक के रूप में और ऐसे विश्लेषक की जो कभी सत्य को सत्य से दूर नहीं रहते। मैं ये कहूँगा कि जो एजेंसियों का जो ओवर उपयोग हुआ, ओवर यूज ऑफ एजेंसीज, मतलब सीबीआई ईडी की बात कर रहा हूँ, ये अच्छा मैसेज नहीं किया, ये अगेंस्ट द अपोजिशन ओनली, एक। और दूसरा जो वॉशिंग मशीन वाला जो प्रचार था कांग्रेस का कि एक भ्रष्टाचारी नेता है वो बीजेपी में आ गया तो साफ हो गया, उसके केस भी बंद हो गए, इन दो चीज़ों की काफ़ी विपरीत असर वोटरों पे पड़ी, कम से कम यूपी और महाराष्ट्र में। यूपी में और भी कारण थे, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र में ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो अजीत पवार को साथ में लिया इन्होंने उसका उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया बड़ा, क्योंकि सिंपैथी जो थी ना, पहले सिंपैथी फडणवीस के साथ में थी क्योंकि अलायंस तोड़ा था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन बाद में शिवसेना को तोड़ना एक, और तीसरा फिर शरद एनसीपी को तोड़ना, तो सिंपैथी वेव पूरी ट्रांसफर हो गई पवार के साइड पे और उद्धव ठाकरे के लिए, एक ये हुआ। और यूपी के अंदर मेरे ख्याल से एक इंटरनल सबोटेज भी हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ, उसका मेरे ख्याल से छानबीन करनी पड़ेगी उत्तर क्या कारण है कि इतनी सीटें कम हुई, लेकिन दो ये मुख्य कारण है कि जो आइडियोलॉजिकल प्लैंक की बीजेपी की आइडियोलॉजिकल प्लैंक उसमें डेंट पड़ा, ये दो चीज़ें जो बताई वो मुख्य कारण है डेंट पड़ने का, और दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई ये कहता है कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के विरुद्ध है, बिल्कुल गलत बात है, टॉप लेवल की गवर्नेंस रही, और मैं तो ये कम नसीब गिनता हूँ देश को कि 370 हटाने के बाद, ये उदय जी बैठक 370 हटाने के बाद में भी बीजेपी को फुल 272 सीट्स न मिले, ये भी एक बड़ा सवाल है, और बीजेपी के नेतृत्व देश की जनता पे सवाल है। माहौरकर कह रहे हैं, देश की जनता पे सवाल है। उदय माहौरकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से एजेंसीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ और अपोजिशन के खिलाफ हुआ, और जिन लोगों को दूसरे दलों से अपने पास बीजेपी ने बुलाया या शामिल किया जो टेंटेड थे और उनको लेकर के सारी फाइलें बंद होने लगी, तो एक सिग्नल गया कि ये ठीक नहीं है कि कोई करप्ट आदमी उधर से इधर आ जाए तो वो राहत पा ले, और सामने जो अपोजिशन में करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ आप अभियान चलाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, उदय माहौरकर का कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में अंदर खाने भी कुछ चीज़ें चलती रहीं, और कई जो एक्सपर्ट्स हैं कहना कहे कि संघ ने भी अपना हाथ थोड़ा पीछे खींचा था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो बैठक की हैं। हिंदुस्तान में एक नई सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनने जा रही है। अनुज, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी के नेताओं ने इस बात के संकेत दिए कि हम कुछ और भी दलों से बात करेंगे या कुछ और भी नेता आएंगे जो अभी हमारे गठबंधन में नहीं हैं, फिर हम बताएंगे कि हमारा फैसला क्या है, तो आज बैठक के बाद आपको तय करना चाहिए था कि आपको जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है या फिर आप सरकार बनाने की कवायद में लगेंगे। देखिए, कांग्रेस कभी भी जब जहां गठबंधन की बात होती है, चाहे हम बड़े भाई के भूमिका में रहे हों, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अहंकार में की तरह अपना निर्णय नहीं लिया है। हम सब अपने घटक दलों के साथ बैठते हैं, हमारे सीनियर लीडरशिप बैठती है, और जो सबकी राय और निर्णय होता है उसी के आधार पर फैसला लेते हैं। ये इतिहास गवाह है, और आज की मीटिंग में भी यही तय हुआ है कि जो सब हमारे साथी लोग ने, जो सहयोगी दलों ने जो भी निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे अब ये गठबंधन का दौर है। और जैसा कि नीतीश कुमार जी ने अपना नतीजे आते ही अपना वहाँ पर बहुत बड़े बोर्ड लगा दिए थे
कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो इसका अर्थ निकाल लेना, आप लोग हमसे ज्यादा प्रबुद्ध हैं, आप पत्रकार हैं और देश की जनता, यानी कि नीतीश कुमार की जो बार बार पाला बदल लेने की कमजोरी है उसको आप अपनी ताकत मान रहे हैं या उम्मीद मान रहे हैं? देखिए, हमारी ताकत तो देश की जनता है और उस देश की, उन्होंने समर्थन पत्र लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने को दिया है। ठीक है, दे दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, सरकार का वो गठन भी कर लेंगे, तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको और हम चाहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी क्यों नहीं कहती है कि हमारे गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, अभी भूमिका तय होने दीजिए, तो निश्चित तौर पे जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा, निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से ही देश की जनता को निर्णय सुना दिया जाएगा, क्योंकि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी सब चीज़ों के सारे विकल्प देखे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इस देश की जनता ने क्या चाहा है और अन्य राजनीतिक दल क्या चाह रहे हैं, कौन किस दबाव में कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो अभी 371 करोड़ के घोटाले में जेल में होकर के आए हैं, इन्हीं की सरकार के शासन में जेल में रहकर के आए हैं, 1.5 साल तक वो इनके दरवाजे खटखटाते रहे थे, गठबंधन के लिए उनको घास नहीं डाली जा रही थी, और अचानक अब कल निर्णय आने के बाद किस तरह से चंद्रबाबू नायडू का रोल इनके एनडीए में अहम हो गया है, लेकिन वो क्या वहां पर कंफर्टेबल कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये भी चीजें देखने वाली बात है कि जिस तरह से दबाव की राजनीति में उनके ऊपर दबाव डाल करके जो ये अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाया गया इन 10 सालों में तमाम नेताओं को और उनको चंद्रबाबू नायडू जी को भी दिखाया गया है। जयराम, देखिए, अर्ध सत्य में तो तथ्यों के ऊपर बात होती है, और ये सत्य तो नायडू साहब ने भी आज बाइट में कहा है कि अगर हमारा गठबंधन नहीं था तो हम तो विधानसभा का चुनाव भी साथ में लड़े और वहां सरकार बना रहे। सबसे पहले तो किसने क्या खोया पाया में आप देखिए कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी, अरुणाचल में भाजपा की सरकार बनी, तो कई सारी उपलब्धियां हैं, पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है, हमको जो जनादेश मिला वो स्वीकार है। रुकना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट रिसीव्ड बाय अवर अलायंस। द पीपल्स मैंडेट हैज गिवन बिफिटिंग रिप्लाई टू द बीजेपी एंड देयर पॉलिटिक्स ऑफ हेट करप्शन and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and we'll definitely whatever promises we have given to the people that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है तमाम नेताओं ने माना है कि यह जनादेश तो गठबंधन को मिला है वो संविधान को ख़त्म करने और लोकतंत्र को ख़त्म करने की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कोशिशें रही हैं उसके विरुद्ध में मिला है, बेरोजगारी के खिलाफ मिला है
और देश में जो लोगों की इच्छाएं हैं इस गठबंधन को लेकर के, उसको पूरा करने के लिए हम सही समय आने पर फैसला लेंगे। यानी कि फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में इंडिया अलायंस है, और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, बन जाती है, कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, इस पर नज़र रहेगी। और कहीं कोई गुंजाइश बनती है कि हमारी भी सरकार बन सकती है, हम भी नंबर गेम में आ सकते हैं, यह साफ होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो दो बड़े नेता हैं, इन फैक्टर नायडू और नीतीश, इन दोनों का मन क्या है बाद में, क्योंकि अभी सरकार का समर्थन उनके पास है और यह गठबंधन चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, कहीं से भी नंबर गेम में बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा वेट एंड वॉच का फैसला इंडिया अलायंस ने किया है, यही एक लाइन की खबर अभी की है। कुछ कहेंगे इस पर? मैं ये चाहता हूं कि ये जो अभी फैसला इंडिया अलायंस का हुआ है, ये सिर्फ इसलिए है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला है? उनके तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला है, स्पष्ट है ना, बिल्कुल एकदम। और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो है, वो मैं मानता हूं कि मेरा जो अनुमान है और जो अनुभव है मेरा पॉलिटिक्स कवर करने का, वो कहता है कि वो साथ में रहेंगे। और तो समय बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी में वो लचीलापन है जो काफी नेताओं में नहीं है। ये इस बात का जिक्र उदय जी कर रहे हैं, और उदय जी का जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उदय माहुरकर नरेंद्र मोदी के बहुत करीब रहे हैं, और पत्रकार के रूप में नरेंद्र मोदी का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको ठीक से समझते हैं। और आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के पूरे करियर में जो पॉलिटिकल करियर रहा सत्ता वाला, पहली बार है जब साथी दलों को मिला करके, उनकी मंजूरी लेकर के, उनकी सहमति लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा आपकी अपनी पार्टी के पास नहीं है, आपकी अगुवाई में जो गठबंधन लड़ा है उसके पास है। जी, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले अपन, ये एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी शायद एक बार उनको प्रयत्न करेंगे समझाने का, यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक सेक्युलर पूरा विचार है, वो हिंदुत्ववादी विचार नहीं है, लेकिन नहीं मानते हैं तो उसको वो खटंडे बस्ते में डाल देंगे। ये हो सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, ये यही समझाने का प्रयत्न करेंगे, ये बदलाव लाना पड़ेगा कि जो चीजें हमने अभी सोच ली हैं वो कर गुजरना है, अब आपको बाकी लोगों की राय भी लेनी पड़ेगी। सरकार साझे की अब चलने लगी है, साझे की पहले भी थी लेकिन बहुमत आपके पास था। नरेंद्र मोदी वैसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार, यानी कि उनकी अगुवाई में जो चुनाव लड़े गए इस देश में, जनादेश मिला कि हाँ आपकी अगुवाई में सरकार भी चलनी चाहिए, और 6 दशकों के बाद ये पहली बार हुआ है। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में, उनकी लीडरशिप में 3 चुनाव हुए, 52 का चुनाव, 57 का चुनाव और 62 का चुनाव, और ये सभी चुनाव कांग्रेस ने जीते। कैसे जीते, आंकड़ा क्या रहा है, और अब 2014, 19 और 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने, बीजेपी ने जीते, वो कैसे, आंकड़ों की शक्ल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और आंकड़ा कहता है कि जो पहला चुनाव इस देश में हुआ 1952 के चुनाव में 364 सीटें कांग्रेस को मिली, उस वक्त लोकसभा की कुल सीटें 499 हुआ करती थी, कांग्रेस का वोट शेयर तब 45% रहा। जब देश में दूसरी बार 1957 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनी, 371 सीटें मिली, अब ग्राफिक्स आपके सामने हैं, और 48% वोट आया। ये समूचे हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में 1984 को छोड़ करके सबसे अधिक वोट शेयर की सरकार थी 1957 की, और 1962 में 361 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 45% वोट शेयर रहा था। तो यह नेहरू की अगुवाई में लगातार 3 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उसके बाद से इस देश में 1962 से लेकर के 1914 तक 13 प्रधानमंत्री हुए, 13, लेकिन कोई भी लगातार 3 बार सत्ता में चुन करके नहीं लौट सका।
नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे से प्रधानमंत्री हैं जिनकी अगुवाई में देश ने तीसरी बार सरकार चलाने का जनादेश दिया है। जो ग्राफिक्स नरेंद्र मोदी की तीनों चुनावों का है, तीनों सरकारों का है, वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि तीन टर्म वो, ये तो आज की बैठक का है कि एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए और बैठक एनडीए की हुई और मैंने बताया आपको कितने नेता उस बैठक में शामिल रहे, एनडीए के लगभग सारे नेता। ये 2014 में पहला चुनाव जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर रखा देश के सामने, 31% वोट शेयर था, 282 सीटें बीजेपी को मिली थी। दूसरा चुनाव 2019 में हुआ जिसमें 37% वोट शेयर में 6% का उछाल था, 6% से भी ज़्यादा का, और 303 सीटें बीजेपी ने अकेले जीती थी जबकि चुनाव एनडीए ने लड़ा था। ये दोनों ऐसी स्थितियां थी जिसमें बीजेपी अपने बूते ही बहुमत के आंकड़े के पार थी। ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए चुनाव लड़ा है उसमें बीजेपी अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, वो 292 पर है लेकिन एनडीए के साथ है जिसके नेता नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में रहे हैं जैसे बाकी दो बार के चुनाव में। और इस बार जो वोट परसेंट है वो 36.8%। आप देखें तो बीजेपी ने वोट परसेंटेज में बहुत फर्क नहीं रखे, लगभग 0.6% का वोट परसेंट फर्क है, तो अपने वोट को इंटैक्ट बीजेपी ने रखा है मगर सीटें उसकी 303 से 240 आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए कहा था कि पंडित नेहरू के बाद, हालांकि उन्होंने जिक्र नहीं किया था लेकिन ये कहा था कि 6 दशक के बाद यह पहली बार है जब एक आदमी की अगुवाई में सरकार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। भाजपा के एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। यही नरेंद्र मोदी की खूबी है, यही ताकत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो दफ़ा मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार कांग्रेस की रही और उस सरकार ने 2004 और 2009 दो दफ़ा सरकारें चलाईं, 4 से 9 और 9 से 14 की। लेकिन 14 में जब तीसरी बार कांग्रेस आई जनादेश के लिए तो 2009 में कांग्रेस की सीटों की संख्या 206 थी और वो सीधे धड़ाम होकर के 44 पे आ गई। यह नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो सका। कांग्रेस की अगुवाई में जिन दलों ने 2009 का चुनाव लड़ा कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें थीं और वो अपनी हैसियत वहाँ भी नहीं पा पा रही थी कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, यानी कि अगर संसद में लोकसभा में कुल सदस्य जितने होते हैं उनका 10% सीटें अगर आपके पास हैं तो आपका अपना नेता प्रतिपक्ष होगा, लेकिन 10% के लिए 54 सीटें या 55 सीटें चाहिए, कांग्रेस के पास उतनी नहीं थी। तो दो दफ़ा सत्ता में रहने के बाद लगातार तीसरी दफ़ा कांग्रेस 44 पर खिसक करके चली गई थी। नरेंद्र मोदी दो दफ़ा रहने के बाद भी अपने बूते बीजेपी के बूते 240 पर हैं और एनडीए उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा है पीपल अलायंस, वो आज भी 292 पर है, यानी कि बहुमत से 20 का आंकड़ा वो आगे है, 20 की संख्या आगे है। ये अनुज एक कामयाबी तो नरेंद्र मोदी की है ना, उनकी सरकार को जनादेश तो ऐसा है कि सरकार बनाइए आप। हाँ, निश्चित तौर पे, स्वाभाविक तौर पे सरकार का उन्होंने क्लेम किया है और दिख रहा है कि सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, क्योंकि अब जिस बैसाखियों को वो बार बार कांग्रेस हमारे सहयोगी दलों को बैसाखी का शब्द बोला करते थे और सीना तान के बोलते थे कि एक अकेला सब पर भारी, अब वही सब पर भारी और वही बैसाखियों के सहारे अब उनको सरकार चलानी है, तो हम अपेक्षा करेंगे कि अपने सहयोगी दलों का अपमान ना करें, उनका सम्मान करना सीखें और जो ये एक मजबूती की बात करते थे वो मजबूरी में काम ना करें। हाँ, इतनी देश की जनता उम्मीद कर रही है
और ये स्वाभाविक है कि अब कोई भी तानाशाही तरीके से निर्णय नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जनहित में काम होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई उसमें से कुछ बातें पूरी करने का प्रयास होगा। और सबसे बड़ी बात जो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा इन 10 वर्षों में इन्होंने दिखाया है, जो अपने रिवेंज टेकिंग एजेंसीज के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को और पूंजीपतियों को ऊपर दबाव डालने का काम किया, आंखें दिखाने का काम किया है, अपनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, उनका दुरुपयोग रुकेगा। जो आपने कहा था अभी, जो हमारे पत्रकार साहब ने बोला था कि बहुत फ्लेक्सिबल है, निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी अब उस तरह की ना दिखे कि एक तरफ आप बोलते हैं कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी अजीत पवार, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी, और दूसरे दिन को आप मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री का पद दे देते हैं। तो इस तरह का चेहरा, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखे। उदय जी, एक सवाल तो है काम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार, हालांकि उन्होंने कहा कि अब 2047 जो विकसित भारत का उनका सपना है, संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए अगले 5 साल हैं, इन 5 सालों में हो सकता है कि रिफॉर्म्स के लिहाज से बहुत सारे बदलाव करना चाहें, वो आर्थिक मोर्चे पर बहुत सारा बदलाव करना चाहें, वो जो पहले संभव था, या फिर सीए और एनआरसी जैसे मामले हैं, या यूसीसी से मामला है, इन सब को लेकर के अब उनके पास खुला हाथ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, खास करके जो यूसीसी टाइप के मामले हैं उसके अंदर उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है, आर्थिक नीतियों का सवाल है, आर्थिक पॉलिसीज का सवाल है, एनवायरमेंट का सवाल है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वो उनको फ्री हैंड होगा मेरे हिसाब से। यही जो ECCI ऐसे 2-4 जो मुद्दे उनको लेके ही उनको एक उनपे एक मतलब एक प्रेशर होगा कि वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। लेकिन यह भी तो संभव नहीं होगा ना कि आप नोटबंदी या GST जैसे फैसले कर पाएं आसानी से, जैसा आपने पहले कर लिया था। तो इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट फैसले जो आपको लगते हैं वो अपनी तरफ से अकेले कर पाएं, और पॉलिसी मेकिंग के बाहर के फैसले सभी कर पाएंगे वो? मैं मानता हूं कि अपने उनके जो सहयोगी दल है और नेता है उनको समझा पाएंगे वो। देखिए, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चिराग पासवान, ऐसे जितने हमारे सहयोगी दल के लोग हैं, ये प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, सबका लक्ष्य यही होगा कि कैसे भारत एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़े। तो वो चीज़ें तो मिलकर के होंगी। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि जब ये एग्जिट पोल आए तो शेयर बाजार ने एक लंबी छलांग लगाई थी, रिजल्ट आए तो उसमें गिरावट दर्ज हुई। लेकिन आज जब सरकार बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है और लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वापस उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। यानी हर जगह भरोसे का नाम नरेंद्र मोदी बनते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जनता ने भी उन पर भरोसा जताया है। आज ये अनुज जी को मैं बस इतना कहना चाहता हूँ और इनसे भी अपेक्षा देश करता है कि अगर आपको एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेवारी दी है, हालांकि आप 100 पार नहीं कर पाए, बावजूद इसके अगर 99 के फेर में आप हैं तब भी आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। पिछले 2 कार्यकाल में जो आपने संसद में तस्वीर दिखाई उसके बजाय आप राष्ट्रहित के मुद्दों पर साथ दें। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल रहे हैं जहां विपक्ष बहुत कमजोर रहा है, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, और सेहतमंद लोकतंत्र के लिए यह भी बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी जिनको NDA का नेता चुना गया है, उनकी अगुवाई में अगली सरकार देश में बनने जा रही है, पंडित नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार लगातार 3री बार आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि 8 जून को शाम को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेंगे। अरसत में आज इतना ही। मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे आप दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।